हेलो। सो अभी मैं आपके सामने आया हूँ इस बुक की समरी लेके, स्टॉप रीडिंग द न्यूज़। अभी ये बुक जस्ट मैंने ख़त्म की है। ये रॉल्फ डोबेली रॉल्फ रॉल्फ डोबेली की बुक है। एक्चुअली इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये बुक भी मेरे पास है, अभी शालिनी इसको पढ़ रही है। सो जब मैं पढ़ूंगा तो मैं उसकी भी समरी बनाऊंगा। सो जस्ट इसके बारे में जैसा अपनी उसको कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं हर बुक की समरी बना रहा हूँ। सो अभी इसकी समरी बनाते हैं। इसे मैंने पिछले हफ्ते संडे को स्टार्ट किया, 9 फरवरी को, और आज 18 फरवरी को मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। सो जस्ट इसके बारे में, एक लाइट रीड बुक है, बहुत हैवी नहीं है, आप स्किम करते जा सकते हो, ज़्यादा मोटी नहीं है, 150 पन्नों की है, 150 पन्नों की। और एसेंशियली इसमें टोटल 35 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में आपको एक एक छोटा छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथर ने दिया है, आप उसको पढ़ते जाओ और इजी टू रीड, मतलब एसेंशियली हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में मोर और लेस क्या है। और पूरे बुक में ये इम्फोसाइज करते हैं कि आपको न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो दिमाग को एक तरह से समझ लो डल बना देता है, एंडलेस होता है, हमारा जो फोकस है वो ख़त्म करता है न्यूज़। इन्होंने इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। ये न्यूज़ हमें कई बार इरिटेटिंग बनाता है, हम इरिटेट होने लगते हैं। सो जस्ट मैं आपको जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके बारे में, उनका हेडिंग्स पढ़ के सुनाता हूँ, चैप्टर का टाइटल, और मे बी उसके बारे में एक एक लाइन भी मैं बताता चलूंगा। तो पहले दो पार्ट में इन्होंने डिस्कस किया है हाउ आई गेव अप द न्यूज़, पार्ट 1, पार्ट 2, दो चैप्टर्स हैं। सो इसके बारे में एसेंशियली इन्होंने बताया कि जब इनिशियली मैंने न्यूज़ छोड़ा तो वो बहुत इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि ही वॉज अ न्यूज़ एडिक्ट। और जब आप न्यूज़ एडिक्ट होते हो और आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलता है लेट से, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस एक तरह से डाउन होने लगता है। सो इन्होंने कहा कि 30 डेज तक ये इन्होंने खुद को डिटॉक्स किया इस प्रोसेस में। इन्होंने न्यूज़ छोड़ा, ये नहीं उसको हैंडल कर पा रहे थे, फिर से कुछ टाइम बाद इन्होंने ये पढ़ने लगे, फिर से इन्होंने छोड़ा। सो मोर और लेस 2-3 स्टेप्स करते करते 30 डेज तक ये पहुंच गए, मतलब एक स्ट्रेच में। उसके बाद इन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, बिना न्यूज़ के लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही है कंपेयर टू न्यूज़। सो अगले चैप्टर में उन्होंने बताया न्यूज़ इज टू द माइंड व्हाट शुगर इज टू द बॉडी। एक तरह का एडिक्शन है न्यूज़, आपको पढ़ते रहना है, मतलब एक तरह से आप एडिक्ट होते जाते हो न्यूज़ पढ़ने के। देन रेडिकल एब्सटेनेंस, 4th चैप्टर। हियर ही सेज कि एक बाई एक इसको छोड़ देने पे अजीब और गरीब फीलिंग होने लगती है। सो आप वैसा होने लगे तो आप मे बी बैक जाओ, लेकिन धीरे धीरे आप सेंसिटाइज होते जाते हो उसको लेके कि हाँ मुझे छोड़ना है, और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हो। 30-डे प्लान इन्होंने ऑफर किया कि आप 30 दिन तक बिना न्यूज़ पढ़े रहो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि कैसा आपका लाइफस्टाइल है। सो एक तो आप रेडिकली छोड़ सकते हो या फिर धीरे धीरे आप छोड़ो। जिस भी केस में 30 डेज का चैलेंज आप विदाउट न्यूज़ एक बार करके देखो, आपको एटलीस्ट आप कुछ नहीं भी तो एक स्टेप बेटर हो जाओगे। किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो डिटेल में उसके बारे में पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ो उसके बारे में, बुक्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, न्यूज़ नहीं पढ़ो, बिकॉज न्यूज़ में असली में आपका ध्यान वो डाइवर्ट करता है। देन द सॉफ्ट ऑप्शन, कई बार जैसे बताते हैं कि ऑनलाइन मीडिया बहुत ज़्यादा अब तो चल गया है हार्ड न्यूज़ की जगह, तो वो भी हमारा अटेंशन ले रहा होता है। न्यूज़ इज इररेलेवेंट पार्ट 1, न्यूज़ इज इररेलेवेंट पार्ट 2। सो एसेंशियली इसी बारे में इन्होंने बात करी है। न्यूज़ इज आउटसाइड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, बेसिकली जो हमारा एरिया सर्कल, जो हमारा एक्सपर्टीज है उसके बाहर न्यूज़ होता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो न्यूज़ हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई बेटर नहीं बनाता है, एक सूडो कॉन्फिडेंस टाइप, बस कॉन्फिडेंस भी है कि चलो सब पता है, लेकिन फिर भी कुछ एज सच इट इज नॉट हेल्पिंग अस एनी वेयर इन एनी ऑफ आर डिसीजंस।
न्यूज़ गेट रिस्क असेसमेंट ऑल रॉन्ग बेसिकली. इतना शैलो आर्टिकल्स होता है कि उसके इनसाइट्स पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो. रिस्क असेसमेंट उनका हमेशा गलत होता है. चीज़ों को बैक डायरेक्शन में जो नहीं है वो देखते हैं. न्यूज़ इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. न्यूज़ ऑब्सक्योर्स द बिग पिक्चर. न्यूज़ इज़ टॉक्सिक टू योर बॉडी. न्यूज़ इज़ टॉक्सिक. न्यूज़ कन्फर्म्स आवर मिस्टेक्स. रीइंफोर्सेस हाइंडसाइट बायस. न्यूज रीइंफोर्सेस अवेलेबिलिटी बायस. मैं भूल रहा हूँ इन दोनों चैप्टर्स के बारे में. न्यूज कीप्स द ओपिनियन वोल्केनो बबलिंग. बेसिकली एंडलेस है. इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला. ओपिनियन वोल्केनो चलते रहता है. न्यूज इनहिबिट्स थॉट्स. ऐसे आपका दिमाग, आप सीधे न्यूज में चले जाते हो, उसको कंज्यूम करने लगते हो. दिमाग सोचता समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है दिमाग की. न्यूज़ रीवायर्स आवर ब्रेन्स. बेसिकली हमारा जो एक एवरेज आदमी का आईक्यू होता है न्यूज़ पढ़ के, भाई न्यूज़ नहीं मतलब कुछ पढ़ते हो जब आप, तो आप एनालिटिकल ब्रेन अप्लाई करते हो, उसके बारे में सोचते हो. न्यूज़ वो पावर आपसे छीन लेता है, ख़त्म कर देता है. न्यूज़ प्रोड्यूसर्स फेक फ्रेम्स. एसेंशियली आप एकदम बेसिकली लेट्स से सेलिब्रिटी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, तो आप उधर ध्यान आपका चला जाता है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से वो इम्पैक्ट आने लगता है. सो एक फेक फ्रेम में आप चले जाते हो. न्यूज़ मेक्स अस स्मॉलर देन वी रियली आर. सो जैसे ये बता रहे हैं कि एज एन ऑथर न्यूज़ ये हमेशा अपनी रैंकिंग चेक करने लगते हैं न्यूज़ पोर्टल पे, तो वो अच्छा फीलिंग नहीं है वो कि मैं आगे मैं डाउन चल रहा हूँ मैं ये वो, क्योंकि असल में आपका एक अपना डोमेन है, आप काम कर रहे हो सही है. न्यूज़ वाले कौन होते हैं थम्स अप थम्स डाउन से आपकी रैंकिंग तय करने वाले, और वो लोग जो उन्होंने बुक आपकी पढ़ी भी नहीं वो आपको रैंक कर रहे हैं. न्यूज़ मेक्स अस पैसिव. बेसिकली एक तरह का इरिटेशन कॉज करता है, एक्टिवनेस हमारे अंदर ही ख़त्म करता है. न्यूज़ इज इन्वेंटेड बाई जर्नलिस्ट. बेसिकली जर्नलिस्ट ने एक अच्छा अपने लिए टाइम पास खोज लिया, न्यूज़ बनाने लगे. न्यूज इज मैनिपुलेटिव. न्यूज किल्स क्रिएटिविटी. सोचने समझने की शक्ति खत्म करता है. न्यूज इनकरेजेस क्रैप सर्जन लॉ. न्यूज गिव्स अस द इल्यूजन ऑफ एम्पैथी. न्यूज इनकरेजेस टेररिज्म. कई बार सॉरी रात का समय है, मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा था. सो कई बार न्यूज क्या करता है कि गिव्स अस द इल्यूजन ऑफ एम्पैथी. बेसिकली इनकरेजेस टेररिज्म. सो जैसे सीरिया वाले न्यूज बनाने के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट इंटेंडिंग, लेकिन फिर भी वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं सो दैट न्यूज बने. अगर कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा तो मे बी घटनाएं भी कम होने लगेंगी. दिस इज हियर व्हाट ही सेज कि न्यूज अटेंशन सीकर्स टेररिस्ट एक्टिविटीज में जाते हैं बिकॉज न्यूज से वो हाईलाइट होते हैं. न्यूज डिस्ट्रॉयज आवर पीस ऑफ माइंड. नॉट कन्विंस्ड. वॉट अबाउट डेमोक्रेसी पार्ट वन पार्ट टू. नो बडी गिव्स अ शिट यू नो. आज घटना होती है, रिपोर्ट होता है, लोग में भी सुनते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है. दिस इज वॉट दिस चैप्टर इज द न्यूज लंच. हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपको लंच चाहिए, उससे हटो. द फ्यूचर ऑफ न्यूज और ज्यादा इंटरनेट आ जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, आपका आर्टिफिशियल लर्निंग के बेसिस पे चलने लगेगा, एंड यू नो विल बी ऑल टेकन अप बाय द न्यूज. सो दिस इज वेयर ही सेज स्टॉप रीडिंग द न्यूज. आप इस बुक का जो डिजाइन है दैट लुक एट इट, पूरे न्यूज़पेपर को काटा हुआ है. आई रियली लव दिस डिजाइन. इट्स अ लाइट रीड, यू कैन गो थ्रू इट. आई मीन 2-3 दिन, 2-1 दिन ढंग से पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा. थैंक यू.